हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी का मेरे टेक्निकल के चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स आप कैसे अपने कीबोर्ड पर इमोजी वाले ऑप्शन को कैसे ऑन कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप अपने कीबोर्ड के जरिए अब अपने किसी भी दोस्त को बड़ी आसानी से कोई भी इमोजी बड़ी आसानी से भेज सकते हैं। तो आप कैसे अपने कीबोर्ड पर अपने इमोजी वाले ऑप्शन को कैसे ऑन कर सकते हैं, चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए और पूरा प्रोसेस समझिए कि कैसे कैसे आप अपने कीबोर्ड पर अपने इमोजी वाले ऑप्शन को कैसे ऑन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने जीबोर्ड को ऑप्शन कर ले ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने अपने जीबोर्ड ऐप वाले ऑप्शन को कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन। देख सकते हैं मैंने अपने जीबोर्ड ऐप को ओपन कर लिया है। ऐप को ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देख लेना है इमोजी वाला। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे इमोजी एंड स्टिकर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको इमोजीज वाले ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप इमोजी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इमोजीज का। तो आपको इमोजीज का ऑप्शन देख सकते हैं अभी ऑफ है, तो आपको इसको कर देना है ऑन। जैसे ही आप ऑन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका इमोजी वाला सेक्शन है वो यहाँ से जो ऑफ था वो ऑन हो गया है। आप बड़ी आसानी से अपने कीबोर्ड पर किसी भी दोस्तों किसी भी फ्रेंड्स को बड़ी आसानी से मैसेज के साथ साथ इमोजी भी सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ऐसे ही बड़ी आसानी से अपने कीबोर्ड ऐप पर इमोजी के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स।